हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू जय श्री टैरट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। अभी हम देखेंगे हमेशा की तरह कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। अपने पर्सन को आप मन में ध्यान में रख सकते हैं, उनका नाम मन में ले सकते हैं और फिर हम देखेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। ओके अपसेट हैं, गुस्सा है, अपनी चीज़ों को पूरा ना कर पाने का, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर पाने का, अपनी चीज़ों में स्टक फील हो पाने का, कहीं ना कहीं एंगर जो है उनके मन में नज़र आ रहा है। एंगर के साथ साथ इमोशनल लेवल भी आपके पर्सन का हाई हो रखा है। इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको पाने के लिए और वो मैनिफेस्टेशन उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे। जो कि मैंने शायद एक दो दिन पहले भी ये बात बोली थी कि आपके पर्सन जो है मैनिफेस्ट जो नहीं हो पा रहा, उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल पा रही, इस वजह से आपके पर्सन जो है डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उनके मन में बहुत दुविधाएं दिखाई दे रही हैं, कुछ चेंजेस ढूंढ रहे हैं जो कि मिल नहीं रहे उनको। इसी वजह से थोड़ा सा उदास हैं, इसी वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हैं, इमोशनल लेवल पर जाकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं अपनी चीज़ों को कैसे पूरी करूं, कैसे पूरा करूं, कैसे उन चीज़ों को मैं सक्सेस लाऊं, उनको उसमें सक्सेस लेकर आऊं। लेकिन यहाँ पर उनका ये भी एक सोचना है कि मुझे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी ही आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ कितनी भी यहाँ पर आएँ, मुझे सक्सेस तो हर हाल में चाहिए। और आपके पर्सन जो है वो सक्सेस हासिल करके ही रहेंगे, अपनी विश को, अपनी चीज़ों को वो पूरा करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी आसानी से आपके पर्सन जो है वो हार मानने वालों में से नहीं है, ना हार मानेंगे। हाँ, ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा दिल उदास हो सकता है, टूटा हुआ हो सकता है, या इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो सकता है और रोना भी आ रहा हो। जब होता ना, हमारे इमोशंस बहुत मिक्स होते हैं, तो हमें हो सकता है अभी रोना आ रहा हो और थोड़ी देर में हमें उसी बात पर गुस्सा भी आ रहा हो। ऐसा होता है कभी कभी कि हम रोते और गुस्सा एक साथ होते हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी समय हो गया हो आप लोगों का, या बातचीत भी हो रही है तो उतनी अच्छी नहीं हो रही है, या थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, या ब्लॉक कर रखा है, कोई चारा नहीं नज़र आ रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर मन में बहुत ज़्यादा एक अलग ही झगड़ा उनके मानसिक रूप में चल रहा है। अपने आप से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गुस्सा है, अपने आप से ही झगड़ा है, झगड़ा हो रखा है। कुछ कार्ड्स मुझे लग रहा है शफलिंग के टाइम पर उल्टे हो गए हैं, या मैंने उल्टे रख दिए हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। वेट, ओके, ये देखिए, होप रखे हुए हैं कि आपका और उनका रीयूनियन होगा, होपफुल हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, होपफुल हैं कि सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी, आप और वो वापस से एक हो जाएंगे। उसी सक्सेस को, उसी रिश्ते को वापस एक होने के लिए, उसी चीज़ों को पाने के लिए कहीं ना कहीं मन में लड़ रहे हैं, मन में अपने आप में लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी चीज़ों को पाने के लिए जो कि है, आप अपनी चीज़ को, अपनी विश को पूरा करने के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट उनके साथ हो रही हैं, उसको फेस कर रहे हैं और उनको फेस करके आगे बढ़ना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी होता है ना कि हमारे मन मुताबिक चीज़ें जो हैं वो तुरंत नहीं हो पाती हैं, तो वही सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन की, आई थिंक आपके पर्सन जो है वो इंस्टेंट रिजल्ट ढूंढ रहे हैं, या अब उनसे सब्र नहीं हो रहा है। दो में से एक चीज़ हो सकती है, हो सकता है वो किसी टेक्निक का यूज़ कर रहे हों, कोई वो भी कहीं टैरो रीडिंग देख रहे हों, या मैनिफेस्ट कर रहे हों, कुछ ऐसा कर रहे हों जिससे वो वेट कर रहे हों कि मेरा चीज़ ये काम करे या काम कर जाए ताकि हम रीयूनाइट हो जाएं। बट हो सकता हो उनका पेशेंस लेवल उतना ना हो और उन्हें सब्र रखना पड़ रहा हो, या उनका पेशेंस लेवल चेक किया जा रहा हो, जिसके वजह से आपके पर्सन के मन ही मन में लड़े जा रहे हैं, आपस में ही, अपने आप से ही वो जूझ रहे हैं, अपने आप में ही फाइटिंग दिखाई दे रही है, अपने आप से ही लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। रोना भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, सक्सेस भी चाहिए, मैनिफेस्टेशन भी चाहिए, आप भी चाहिए, नई उम्मीद भी चाहिए, उदास भी हैं। तो मतलब मिक्स इमोशनल, उनके इमोशन जो हैं वो मिक्स बहुत हैं इस वक्त, बहुत 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 ज़्यादा। लेकिन फिर भी वो आपसे रीयूनाइट होने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। आपसे एक होना, आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना, आपके लिए एक कदम आगे बढ़ना, यही उनकी मेन विश है जो कि पूरा करना चाहते हैं। और इसी के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, इसी के लिए आपके पर्सन जो है
सक्सेस पाना चाहते हैं, इसी के लिए आपके पर्सन जो है वो मेहनत कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं, पर उनके मन मुताबिक चीज़ें हो नहीं रही हैं, उसकी वजह से वो आपके पर्सन जो है डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो कह सकते हैं कि ओवरऑल जो आपके पर्सन की एनर्जी है वो इमोशनल भी हैं और वो नाराज़ भी हैं, लेकिन नाराज़ वो अभी वो खुद से हैं, किसी और से नहीं है। ठीक है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, बहुत जल्दी होना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का भी उपयोग हो सकता हो कर रहे हों, इसीलिए उदास हैं, परेशान हैं, हताश हैं, किसी से मन नहीं उनका बात करने का, किसी से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, किसी में घुल मिल नहीं रहे, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, खुद से ही फाइट कर रहे हैं, खुद से ही लड़ रहे हैं। तो ये कुछ आपके पर्सन के करंट थॉट्स हैं जो कि मन ही मन में बड़ी उथल पुथल चल रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।